माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो एकदम झटपट और कुछ ही इंग्रेडिएंट से रेडी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और बॉयल्ड पोटैटोस। आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं जो आपके पास हो। ये बॉयल्ड पोटैटोस को मैं ग्रेट कर लेती हूँ। बाकी के वेजिटेबल्स ऐड कर देती हूँ। ग्रेट की हुई कैरेट डाल दी है मैंने, कैप्सिकम, अनियन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसमें मैं बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देती हूँ। एक चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच ब्लैक पेपर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे साइड पर रख देते हैं। पॉकेट्स बनाने के लिए मैंने ब्रेड के 4 स्लाइसेस ले लिए हैं। मेरे पास ये बड़ी वाली ब्रेड थी, मैंने ये ली है। आप कोई भी ले सकते हैं, छोटी हो तो वो भी ले सकते हैं। अब मैं इसकी साइड्स कट कर लेती हूँ। ये मैंने इसकी शीट्स बना ली हैं ब्रेड की। अब इसकी पॉकेट्स रेडी करते हैं। अब इसमें वेजिटेबल की फिलिंग्स ऐड कर देंगे। और इसकी साइड्स में रोल करते हुए बंद कर देंगे। इसमें फिलिंग ऐड कर दी है। अब इसको फॉर्क की हेल्प से अच्छे से बंद कर देंगे ताकि खुल ना पाए। सारे फिल कर दिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ये ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, अब ये गरम हो चुका है। अब हम इसमें पॉकेट्स फ्राई कर लेते हैं। Thank you.
सारे ब्रेड पॉकेट्स फ्राई कर लिए हैं, अब ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नए डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।